लेफ्ट साइड वाला बॉक्स है ये वेक्टर है, ये कोरल रॉक के टूल से बनाया गया है, ये कोरल रॉक के अंदर बना है, और ये जो राइट साइड वाला है ये वेक्टर नहीं है, ये इमेज है, ये फोटो है, इसको हमने कैच किया है, इसको हमने इसी चीज़ को जब हमने एज अ पिक्चर एज अ JPG फाइल सेव किया है और उसके बाद दोबारा हमने इसको कोरल रॉक में ओपन किया है, ये इस टाइम डिफरेंस क्या है, आप वेक्टर के अंदर इतनी गुंजाइश होती है कि देखें इस टाइम इसका साइज कितना आ रहा है, 4.583 चौड़ाई है, 4.583 अगर आप इसको जो तकरीबन 4.5 इंच का है आप इसको 100 फुट थोड़ा भी कर देंगे तो इसके रिजल्ट में ज़रा बराबर भी कमी नहीं आएगी, हमने इसको खींच लिया है इतना बड़ा कर दिया 100 फुट का कर दें इसके अंदर जो है इसकी क्वालिटी में डिफरेंस नहीं आएगा, और अगर आप पिक्चर को ज़रा बड़ा करेंगे तो इसके अंदर पिक्सल होते हैं वो फट जाएंगे, फिलहाल आप इसको जूम करते हैं, जूम करके देखते हैं आप उसको देखते हैं स्पीड होती है, उसको जूम करते हैं उसकी क्वालिटी कम हो जाती है, इसको देखें ये वेक्टर है हमारा, इसको हम जितना चाहें जूम कर लें ज़रा बराबर उसकी क्वालिटी ख़राब नहीं होती और बिल्कुल 100% रहती है, यानी कि वेक्टर एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर इतनी गुंजाइश है कि आप इसको जितना मर्जी खींचें गुंजाइश को अनलिमिटेड भी कह सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप इसको जितना चाहें बड़ा कर लें। इस तरह यहाँ पर हमारे पास राइट साइड पर फोटो है, इसके अंदर जो है वो पिक्सल है, आप देखें इसको जूम कर रहे हैं आप उसकी क्वालिटी ख़राब नज़र आने लग गई, ठीक है, अलग अलग लाइन अलग अलग क्वालिटी में जो फ़र्क आने लग गया, तो ये हमारी पिक्चर है, इसके अंदर ये गुंजाइश नहीं होती कि इसको ज़्यादा बड़ा किया जाए, अगर इसको ज़्यादा बड़ा करेंगे तो जैसे जैसे जितना बड़ा करते रहेंगे वैसे वैसे इसकी क्वालिटी में डिफरेंस आता जाएगा, क्वालिटी इम्प्रूव हो। ये हमारा जो है कोरल रॉक वेक्टर ग्राफिक डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर है, इस कोर्स को सीखने के बाद आप कोरल रॉक को सीखने के बाद कोरल रॉक में हर किस्म की वर्किंग कर सकते हैं, कोरल रॉक के अंदर लोगो डिज़ाइनिंग हो सकती है, ब्रोशर डिज़ाइनिंग हो सकते हैं, हैंडल्स फ्लायर्स वगैरह डिज़ाइन हो सकते हैं, फ्लेक्स डिज़ाइनिंग हो सकती है, उसके अंदर जो ड्रेस मार्किंग का काम होता है ब्रोशर हैंडल्स हैं कुछ चार्ज हैं विजिटिंग कार्ड्स हैं, तमाम काम आप यहाँ पर कर सकते हैं, इसके अंदर जो है हमारे पास इनकी टूल्स हैं जो ऑप्शन हैं इनको यूज़ करते हुए हम काफ़ी सारी जो है वो वर्किंग परफॉर्म करेंगे, तो एक नज़र हम सब इस कोर्स आउटलाइन पर डाल देते हैं, तो फाइल्स कोर्स आउटलाइन में हमने जो है बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक हर चीज़ का बताया हुआ है, इसके अंदर एक एक टूल को हम यूज़ करेंगे, एक एक टूल के मुख्तलिफ एग्जाम्पल से इसको यूज़ करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट हर टूल पर अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए और आप जब कोई वर्किंग करें तो आपको इसके अंदर कोई मुश्किल नहीं होगी, और लास्ट पे इस कोर्स के हम प्रोजेक्ट्स आपने करेंगे, इसमें हमारे पास पहला प्रोजेक्ट है लोगो जो है लोगो डिज़ाइनिंग विद मैनी ऑफ एग्जाम्पल्स, अपने लोगों को मुख्तलिफ एग्जाम्पल से डिज़ाइन करेंगे, सिंपल एंड 3D बिजनेस कार्ड डिज़ाइन सिंपल और 3D स्टाइल में जो सर इफेक्ट दे रही है उभरा हुआ है या पीछे खुला हुआ 3D इफेक्ट्स, ये दूसरे के बिजनेस कार्ड डिज़ाइन करेंगे, उर्दू के अंदर जो है बिजनेस कार्ड डिज़ाइन करेंगे, उर्दू के अंदर जो है वो ब्रोशर डिज़ाइन करेंगे, फ्लायर डिज़ाइन करेंगे, और उसके बाद हम 3 पैनल ब्रोशर डिज़ाइन करेंगे जो 3 साइड पे जो है वो फोल्ड होता है मुड़ता है, इसी को जो है आप सीखने के बाद आप 4 साइड जो है ब्रोशर भी बना सकेंगे, 2 साइड भी बना सकते हैं, इसी तरह फिर उसके बाद हम पैकिंग डिज़ाइन करेंगे कि अगर किसी चीज़ की पैकिंग है तो वो किस तरह होती है, डिज़ाइन बॉक्सेस वगैरह कैसे होते हैं, उनको डिस्प्ले कैसे करवाया जाता है, ये तमाम चीज़ें हम इसमें देखेंगे, और लास्ट प्रोजेक्ट में हम फ्लेक्स डिज़ाइनिंग को सीखेंगे। एक नज़र हम जो है अपने कोरल रॉक इंटरफेस पे डाल लेते हैं, जब कोरल रॉक आपके पास ओपन होगा तो सबसे ऊपर जो आपके पास एक पट्टी आ रही है जिसमें कोरल रॉक X6 लिखा हुआ है, ये टाइटल बार है और ये हमारे सॉफ्टवेयर का नाम है कोरल रॉक X6, राइट साइड पे अनटाइटल्ड 1 लिखा हुआ आ रहा है जो हमारी फाइल का नाम है, ये कोई नाम से यहाँ पर शो नहीं। टाइटल बार के बाद सेकेंड नंबर पर हमारे पास मेन्यू बार, मेन्यूज़ हैं व्यू लेआउट रेंज और मुख्तलिफ, तो जिसपे हम क्लिक करते हैं उससे जो है रिलेटेड जो है वो नीचे लिस्ट जो है खुल जाती है प्रोग्राम्स की और ऑप्शन आप उसमें से कुछ सेलेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद हमारे पास जो है वो सेकंड नंबर पे स्टैंडर्ड टूल बार है, उसके अंदर कुछ टूल्स हैं हमारे पास पड़े हुए हैं शॉर्टकट के तौर पर, न्यू ओपन सेव और इस तरह के कुछ शॉर्टकट बटन्स पड़े हुए हैं। थर्ड पे हमारे पास जो है वो प्रॉपर्टी बार है या इसको ऑप्शन बार भी कहा जाता है, ये हमारे इस टूल से रिलेटेड सेटिंग यहाँ पर आ जाते हैं, कोई भी टूल हम सेलेक्ट करते हैं उससे रिलेटेड फर्दर डिटेल्स ऊपर आने लग जाती है, तो
ये हमारा जो है वो ऑप्शन बार है, और उसके बाद हमारे पास जो हमारा पेज है, हमारा वर्किंग एरिया है, जो हम यहाँ पर काम करते हैं पेज के अंदर वही प्रिंट में आता है, बाहर कुछ काम किया जा सकता है पर वो प्रिंट पर नहीं आए। ये हमारा टूल बॉक्स है, जो मुख्तलिफ टूल्स हैं और मुख्तलिफ कामों के लिए यूज़ होते हैं। नीचे हमारे पास पेजेस आ रहे हैं कि पेज नंबर वन ये है, पेज नंबर टू ये है, हर पेज पे जो है वो सेपरेटली हम काम कर सकते हैं। इधर हमारे पास ये स्क्रॉल बार है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, आप इसको स्क्रॉलिंग कर सकते हैं पेज को लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। हमारे पास वर्टिकल स्क्रॉल बार है, जिससे आप ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर पेज को देख सकते हैं। हमारे पास रूलर बार है, जिसमें पीछे आ रहा है, मेजरमेंट वगैरह के लिए यूज होता है। ये हॉरिजॉन्टल रूलर बार है, लेफ्ट साइड पे हमारे पास वर्टिकल रूलर बार आ रहा है, राइट साइड पे हमारे पास कलर पैलेट आ रही है, कलर्स मौजूद हैं। अगर हम इस एरो पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास वो इस तरह के कलर मौजूद हैं, लाइक करते हैं। लास्ट पे हमारे पास ये स्टेटस बार है, जिसके अंदर हमारे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड डिटेल्स आ रही होती है, यहाँ पर कलर और कलर से डिटेल्स आ रही होती है। तो इंशाल्लाह इनको जो है वो साथ साथ आगे जाके देखते रहेंगे इंशाल्लाह।